पुलिस की माने तो एक तरफा प्यार में पड़े लिस्टेड बदमाश ने सुपारी देकर युवती को इन्फेक्टेड ब्लड का इंजेक्शन लगवाने की साजिश रची थी। देखिए रिपोर्ट। एक तरफा प्यार ने बनाया अंधा, सनक ने रची साजिश, इंजेक्शन की सुपारी। पुलिस की गिरफ्त में आए ये बदमाश कोई आम नहीं है, बल्कि इन लोगों ने जिस वारदात को अंजाम दिया वो आपको न केवल हैरान करेगी बल्कि परेशान भी। गिरफ्त में आए एक बदमाश का नाम है किशोर कोरी। किशोर कोरी ही इंदौर इन्फेक्टेड इंजेक्शन मामले का मास्टरमाइंड है। पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। ये मामला 12 मार्च का है। हर दिन की तरह 12 मार्च की शाम भी पीड़िता अपने दफ्तर का काम खत्म करके घर के लिए अपने दोपहिया वाहन से निकली। तभी सराफा क्षेत्र में बाइक से आए दो युवकों में से एक ने उसकी कमर पर इंजेक्शन लगाया और भाग गए। इस घटना की शिकायत युवती ने सराफा थाने में जाकर की। सराफा थाना क्षेत्र में 12 मार्च की तारीख को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक पीड़िता के द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट किया गया कि वह अपनी स्कूटी से यहाँ पर जा रही थी और अचानक कुछ व्यक्ति उसके स्कूटी के सामने आते हैं, जिसके कारण उसने स्कूटी रोकी है। उसके बाद पीछे से कुछ अज्ञात व्यक्ति उसे एक इंजेक्शन उसकी कमर में लगाते हैं और जैसे ही वो चीखती है तो उसके बाद वो लोग छोड़ के इंजेक्शन को भाग जाते हैं। युवती ने किशोर कोरी नाम के एक बदमाश पर परेशान करने के आरोप लगाए। इसके बाद पुलिस ने किशोर को पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ की। फिर वो खुलासा हुआ जो हैरान करने वाला था। साउथ इंडिया की फिल्म से प्रभावित होकर दो लोगों को संक्रमित खून का इंजेक्शन लगाने की सुपारी दी गई। आरोपी ने एमआरटीबी अस्पताल के दो सफाई कर्मियों से संक्रमित खून खरीदा। इस खून को सफाई कर्मी की पत्नी मेडिकल वेस्ट से लेकर आई थी। इतना ही नहीं, आरोपी ने साल भर पहले भी युवती पर दो महिलाओं के माध्यम से एक इन्फेक्टेड ब्लेड से हमला करवाया था। तब भी ये मामला मीडिया में सुर्खियों में आया था। उसने एक काफ़ी समय से इसके ऊपर बातचीत करने का दबाव बना रहा था और लड़की ने जब इससे बातचीत करने के लिए मना कर दिया तब बदला लेने की मंशा से उसने एक संक्रमित रक्त की व्यवस्था करी। किसी एक भिक्षुक के माध्यम से उसने एक उस रक्त की व्यवस्था करी और उसे एक मोटे इंजेक्शन में भर के इसको संक्रमित करने का प्रयास किया, जिसके कारण उसे काफ़ी गंभीर बीमारी हो सकती थी। अब सवाल ये कि युवती से इस कदर दुश्मनी की वजह क्या है। पुलिस के मुताबिक किशोर कोरी युवती से एक तरफा प्यार करता था और इस वजह से वो युवती को हासिल करने की शुरुआत से कोशिश कर रहा था, लेकिन बात बनते नहीं देख वो युवती की जान का दुश्मन बन गया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो और बदमाशों की तलाश पुलिस करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।